नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है हमारे इस चैनल पे। आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 9 साइंस के ओरिजिनल प्रश्न पत्र की। मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग ये वीडियो और देखना शुरू करेंगे प्रश्न और उसके उत्तर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 40 प्रश्नों का उत्तर देना है और इसमें देख सकते हैं लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, तो लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर। अगला है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का होता है जूल। अगला है निम्न में व्युत्पन्न राशि कौन है, तो यहाँ व्युत्पन्न राशि की बात किया जाए तो यहाँ है बल। अगला है निम्न में आधारी राशि कौन है, तो आधारी राशि इसमें है समय। अगला है भौतिक राशि कितने प्रकार के होते, तो भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है। अगला है गति कितने प्रकार के होते, तो गति चार प्रकार के होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो अगला है हम लोग का बंदूक से निकली गोली, बंदूक से निकली गोली में कैसी गति होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रैखिक गति। अगला निम्न में सदिश राशि कौन सा है, तो इसका हो जाएगा आपका सदिश राशि बोल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बल। अगला विस्थापन की दर को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग वेग कहते हैं। अगला हम लोग देखेंगे तो यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल लिखा हो तो दोनों राशियाँ होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अनुक्रमानुपाती। अगला 20 मीटर प्रति सेकंड से चल रहे व्यक्ति का किलोमीटर प्रति घंटा में चाल क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला है आपके पास वेग का मात्रक क्या होता है, तो वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड। अगला हम लोग देखेंगे तो निम्न में से कौन आधारी राशि नहीं है, तो इसमें आधारी राशि बोल रहा है तो इसमें हो जाएगा वेग। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल हम लोग का आता है यहाँ पे, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है, ठोस द्रव में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है, वो कहलाता है द्रवनांक। अगला हम लोग देखेंगे तो सौर मंडल में प्लाज्मा उत्पत्ति का कारण क्या है, तो इसका हो जाएगा आपका उच्च दाब। अगला हम लोग देखेंगे तो वह प्रक्रिया जिसमें इत्र के गंध वायु में फैलती है उसे क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग विसरण। अगला है रेत के कणों का जल में मिश्रण, रेत के कणों का जल में मिश्रण किसका उदाहरण है, तो ये एक तरह से आपका होता है निलंबन का। अगला हम लोग देखेंगे तो निम्न में से कौन यौगिक है, तो यौगिक का बात किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी संगमरमर। अगला हम लोग देखेंगे तो निम्न में से कौन तत्व है, तो तत्व इसमें हो जाएगा आपका आर्सेनिक ऑप्शन नंबर डी। अगला हम लोग देखेंगे तो हीरा क्या है, तो हीरा एक तरह से उपधातु है, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे तो निम्न मिश्रणों में कौन विलयन है, तो इसका हो जाएगा आपका सॉफ्ट ड्रिंक। अगला हम लोग देखेंगे तो वह पदार्थ जो वायु में जल करके CO2 देती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कमरे के ताप पर कौन द्रव अवस्था में रहता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ब्रोमीन। अगला हम लोग देखेंगे 50 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 273 प्लस 50 आपका हो जाएगा आपका 323.15 के। अगला हम लोग देखेंगे तो किसकी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है, तो गतिज ऊर्जा की बात किया जा रहा है, तो गैस की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। अगला निम्न में से कौन समांगी मिश्रण है, तो निम्न में से कौन समांगी मिश्रण का अगर बात किया जाए तो समांगी मिश्रण हो जाएगा आपका रक्त। अगला हम लोग देखेंगे तो किसे आत्मघात की थैली कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका लाइसोसोम को। अगला है आनुवंशिक गुणों का संवहन किसके द्वारा होता है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जीन के द्वारा। अगला हम लोग देखेंगे तो जीवाणु कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो जीवाणु कोशिका की बात किया जाए तो इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। अगला मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 46। अगला सर्वप्रथम माइक्रोस्कोप का निर्माण किसने किया था, तो ये हो जाएगा आपका रॉबर्ट ब्राउन ने। अगला हम लोग देखेंगे तो सेल का नामकरण किसने किया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक ने। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल हम लोग का यहाँ पर है, झिल्ली युक्त कोशिकांग किसमें पाए जाते हैं, तो यूकेरियोट्स में, ठीक है। क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं, तो क्रिस्टी आपके पाए जाते हैं लाइसोसोम में। अगला है पौधों की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान कौन करते हैं, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सेल्यूलोज। अगला है सौ कोशिकाएँ पाई जाती है, तो मृदूतक में। अगला हम लोग देखेंगे फ्लोएम एवं जाइलम का निर्माण कितने तत्वों से हुआ है, तो फ्लोएम एवं जाइलम का निर्माण हुआ है 3 तत्वों से। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला है यहाँ पे रेनवियर की नोड कहाँ पाई जाती है, तो ये हो जाएगा आपका रेनवियर की
रेनवियर की नोट कहाँ पाई जाती है, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका में। अगला है आयतन के हिसाब से प्लाज्मा रक्त या रुधिर का कितना प्रतिशत भाग है, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 10%। अगला हम लोग देखेंगे तो गैसों में पौधों का आदान, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वाष्पोत्सर्जन। अगला हम लोग देखेंगे तो एसआई मात्रक के कितने आधारी मात्रक होते हैं, तो 7। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल। अगला हम लोग देखेंगे निम्न में से कौन अदिश है, तो इसका हो जाएगा आपका अगर अदिश का बात किया जाए तो ये हो जाएगा चाल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वेग परिवर्तन के दर को हम लोग बोलते हैं त्वरण। अगला है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, तो पदार्थ की जो है ऐसे 5 अवस्थाएं होती है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 3 है तो 3 में भी लगाया जा सकता है। अगला हम लोग देखेंगे तो गैस का द्रव्य में परिवर्तन क्या कहलाता है, गैस का द्रव्य में परिवर्तन कहलाता है संघनन। अगला खरिया है, तो खरिया एक यौगिक है। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो इसका हो जाएगा विर्चो ने। अगला है रक्त प्लाज्मा की उपस्थिति जल की प्रतिशत क्या है, तो ये हो जाएगा रक्त प्लाज्मा में उपस्थित जल का प्रतिशत है 90। अगला है बीजों के कठोर आवरण में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका दृढ़ ऊतक। तो यह वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।